वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पोर्ट किंग इंडिया के Q4 के जो नंबर यहाँ पे कंपनी ने पेश किए हैं उसके बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने नंबर जो Q4 के पेश किए हैं वो यहाँ पे कैसे हैं। एक चीज़ और, कंपनी यहाँ पे ₹5 का फाइनल डिविडेंड यहाँ पे अपने शेयर होल्डर के साथ यहाँ पे शेयर किया है ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, हम कहें कि इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे, ये स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड शायद नहीं रहेगा पर क्वार्टर एंडेड। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये लैक्स में दी गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो टोटल इनकम की, टोटल इनकम कंपनी ने कितना यहाँ पे अर्न किया, तो ये 614 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर अर्न किया, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 606 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 635 करोड़ के आसपास था। तो ये चीज़ें हैं जो इनकम है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकम में कमी देखने को मिली है। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो टोटल खर्चे हैं, वो कंपनी के कितने हुए हैं, 582 करोड़, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 587 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 494 करोड़ के आसपास। तो खर्चे भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे खर्चे कम हुए हैं, खर्चे लास्ट ईयर से भी यहाँ पे ज़्यादा खर्चे हुए हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, वो यहाँ पे कितना निकल के आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे 31 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लास्ट क्वार्टर 18 करोड़ और लास्ट ईयर यहाँ पे 41 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे तो कंपनी 22 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट में है और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 13 करोड़ के प्रॉफिट में थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यहाँ पे 30 करोड़ के आसपास थी प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट घट गया, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी के नंबर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नंबर थोड़ा वीक साइड दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस पर मार्केट मंडे को रिएक्ट करेगा। आपको नंबर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।